मैं कुछ टाइम से अच्छी मूवीज़ और अच्छी सीरीज़ देख रहा था, तो पता नहीं क्या मन किया कि सोचा कुछ घटिया काम देखा जाए, तो मैंने ये वाली सीरीज़ देखनी शुरू कर दी। और सच में मुझे पता था जब मैंने ये सीरीज़ देखनी शुरू की थी, ये 100% बकवास है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भंवर सीरीज़ के बारे में, जिसे नेटफ्लिक्स नहीं सॉरी, जिसे G5 पर रिलीज़ किया गया है। और अगर इसमें टोटल कास्ट की संख्या बताऊँ, टोटल इसमें सिर्फ दो ही कास्ट हैं, और पूरी की पूरी जो सीरीज़ है एक फ्लैट में शुरू होती है और उसी फ्लैट में वो ख़त्म हो जाती है। अगर आप IMDb वेबसाइट के ऊपर जाके इसकी रेटिंग चेक करोगे तो आपको मिलेगी 3.5 आउट ऑफ 10 स्टार, और टोटल सिर्फ और सिर्फ 26 लोगों ने इसकी रेटिंग दे रखी है, यानी इसको किसी ने देखा ही नहीं। इसके मेकर्स ने ये सीरीज चलाने की कैसे सोची? जाहिर सी बात है, एक लड़की लो, उसको हाफ न्यूड दिखा दो, बस रिश्ते वही, सोच नहीं, ये वाला फंडा उन्होंने चलने की कोशिश की। कहानी के बारे में बता देता हूँ, एक आदमी है जिसका नाम है रणवीर और उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कमाल है। कुछ ही टाइम हुआ इस सीरीज को देखे हुए और इस सीरीज के मुझे करेक्टर के नाम याद नहीं, इतनी कमाल की सीरीज है ये। चलो कोई ना, इसकी वाइफ का नाम आप XYZ रख लो, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, कोई इस सीरीज को देखने वाला तो है नहीं। तो ये दोनों जो है, रणवीर और उसकी वाइफ XYZ, एक फ्लैट देखने जाते हैं और उनको वो फ्लैट पसंद आता है, वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। और उसके बाद जो है उस फ्लैट में कुछ एबनॉर्मल जो है, यानी अजीबो चीज घटनाएं होने लगती है। तो वहां पे एक विंड टरबाइन रखा होता है, मतलब कि जैसा आप इमेज में देख सकते हो जो खेतों में लगे होते हैं जिससे बिजली बनाई जाती है, वो एक खिलौने के टाइप में वहां पे रखा होता है। तो वो अपने आप घूमने लगता है, और इन दोनों को जब ये दिखता है कि अपने आप घूम रहा है और इन जब इसके पास जाते हैं, तो इन दोनों को वो 6 महीने आगे भविष्य में लेके चला जाता है। और कमाल की बात तो यह है कि भविष्य में 6 महीने उसी फ्लैट में लेके चला जाता है। मैंने क्या कहा, ये मूवी की जो मूवी है वो शुरू ही फ्लैट से होती है और खत्म ही फ्लैट पर ही होती है। इवन बाहर के जो आसमान है वो भी नहीं दिखाया गया, पता नहीं क्या सोच के इन्होंने ये सीरीज बनाई है। फ्यूचर में जाने के बाद रणवीर को पता चलता है कि उसकी प्रेजेंट, जो उसका रियल प्रेजेंट है, उसके अंदर कुछ टाइम बाद उसकी मौत होने वाली है। तो फ्यूचर में जो उसकी आत्मा है और उसकी वाइफ की जो आत्मा है, XYZ की जो आत्मा है, वो दोनों आके उसको बताते तो क्या है, डराते हैं यार, बता नहीं सकते थे, सिंपल तरीके से बता दो। यानी इन्होंने यहाँ पे हॉरर डालने की कोशिश की और आत्माएं दिखाई हैं यार, और कसम से इतना मुझे डरा दिया इन लोगों ने, मैंने कि मतलब ये वीडियो जो है वो दिन में शूट करनी पड़ रही है, क्योंकि यार रात को मुझे डर बहुत लग रहा है कि अब यार ये सीरीज देख ली कोई आत्मा उत में आ जाएगी, इतना ज्यादा मैं डर गया हूँ। इतनी जबरदस्त उन्होंने परफेक्शन में एकदम मतलब कमाल कर दिया यार इन लोगों ने। रणवीर की आत्मा उसको कहती है कि भाई जा, तू प्रेजेंट में जा और तेरी मौत होने वाली है, तू अपने आप को बचाने की कोशिश कर। और साथ ही साथ XYZ जो इसकी वाइफ है वो इसको चीट कर रही है, इसके अब इसका एक कोई बॉयफ्रेंड है, उसको ये बताया है कि रणवीर के पास 20 करोड़ रुपए हैं, तो XYZ जो है वो 20 करोड़ रुपए लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना चाहती है, और इसका बॉयफ्रेंड ही उसके रणवीर का जो है वो कत्ल करने वाला होता है। बस यही स्टोरी है, और इन्होंने टाइम ट्रेवल खेला है अपने साथ। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है यार, देख के उल्टी आ रही थी। अगर अब पूरी वीडियो का कंक्लूजन आप लोगों को बताऊं तो यही है कि OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी सीरीज और मूवीज आ चुकी हैं कि आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या देखना चाहिए क्या देखना चाहिए। एटलीस्ट ये वीडियो आपकी ये हेल्प करेगी, ये वाली सीरीज तो नहीं देखनी है। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।